नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है शिक्षा के ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज जो हम आपको सिखाने जा रहे हैं, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। आपके पास कोई नंबर है और अगर वो भिन्न में बदलने के लिए बोलता है तो आप किस प्रकार जो है उसे बदलते हैं। आज जो है हम आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से यही सिखाएंगे। यानी कि कोई भी नंबर प्रतिशत में लिखा हुआ है, अगर 25% है, कहे कि इसे भिन्न में बदलो, भिन्न में बदलो। तो किस प्रकार बदलते हैं, आज जो हम इस टॉपिक में आपको यही सिखाने जा रहे हैं। बहुत ही जीरो लेवल से, यानी कि बेसिक तरीके से आपने सीखना है, ठीक है, और अच्छे से समझना है। तो मैं आज जो आपको यही सिखाने जा रहा हूँ, माना माना कोई एक्स प्रतिशत है, कोई भी, हाँ एक्स की जगह नंबर हो सकता है, मैंने एक्स लिख दिया, कुछ भी हो सकता है, 100, 200, 300, कुछ भी, ठीक है। माना एक्स प्रतिशत को भिन्न में बदले, ठीक है, बदले। तो एक्स प्रतिशत को बदलने के लिए हमें क्या करना होता है, हम एक्स प्रतिशत को बदलने के लिए एक्स अपॉन 100 करना होता है। क्या करना होता है, एक्स अपॉन 100। इस जो है सूत्र की सहायता से जो हम भिन्न में बदल देते हैं कोई भी नंबर को या संख्या को, ठीक है। आप देखते हैं कैसे बदलते हैं। अगर हमसे कहे 25% को भिन्न में बदलो, किसमें बदलो, भिन्न में बदलो, ठीक है, भिन्न में बदलो, तो किस प्रकार बदलेंगे। मान लो ये जो हमारा एक्स है, जो मैं कह रहा था आपसे, कोई माना एक्स प्रतिशत को भिन्न में बदलवा रहा, कोई भी चीज़ हमारे पास एक्स में, एक्स को एक्स की जगह कोई भी नंबर आ सकता है, जैसे यहाँ 25 आ गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा एक्स है, इसमें रख दो यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं 25 इस सूत्र में रख देंगे पौन 100। अब जो ये कट रहा है, जिस भी संख्या से काट दें, तो आपने जिस जैसे ये कट रहा तो काट दें, इसी प्रकार जो हमारा जो आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हैं 25 से कट रहा, 25 एकम 25, 25 चौका 100। आप देख सकते हैं 1/4 जो हमारा भिन्न आ चुका है, जो बट्टे के रूप में संख्या लिखी होती है उसे हम भिन्न बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा, हम यहाँ पर लिख सकते हैं भिन्न, ठीक है, 1/4 भिन्न, यही जो हमारा बदल चुका है। इसी प्रकार जो हम किसी भी नंबर को, परसेंट को, या किसी भी, या हमारे जो दे सकते हैं 200, 300, कुछ भी दे सकता है, अगर हमसे कहे कि भिन्न में बदलो, तो इसी प्रकार जो हमें बदलना है और कुछ नहीं करना। तो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसी प्रकार जो हम क्वेश्चन नंबर 2 करके दिखा रहे हैं, अगर कहे कि, ठीक है, तो आप इसे जो अच्छे से अपनी जो कॉपी में ऐड कर लें। अगर यहाँ पे कहे कि 75% को भिन्न में बदलो, तो ये मान लो ये एक्स है हमारा, मैंने यहाँ बता रखा है सूत्र लिखा हुआ, आप अच्छे से इसे जो है समझे और याद कर ले, इसी में रख देना है। कोई भी मतलब हमारा कोई भी किसी भी चीज़ को प्रतिशत में दे, से लिख कर अपॉन में उसके बटे में 100 लिख दो, ठीक है। कोई भी चीज़ है वो अपने अपने खुद कितना होता है, 100% होता है, कुछ भी है, मार्कर भी है या बोर्ड भी है, कितना है वो हमारा 100% ही होता है। कोई भी चीज़ हमारी कम नहीं होती, तो उसे 100 सब जो हम भाग दे देते हैं, वही हमारा आंसर आ जाता है इसके बट्टे में लिख के। तो अब ये यहाँ पे हम हल करेंगे, आप देख सकते हैं हल, तो यहाँ 75/100, ठीक है, 75 जो हम इसे भिन्न में बदल रहे हैं, ये 75 खुद अपने क्या है, ये भी एक अपने 100% के रूप में है, ठीक है। तो ये जो हमारा काटा पीटी करेंगे, जो कट रहा है काट देंगे, नहीं तो भिन्न के रूप में हमारा आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसे 5 से भी काट सकते हैं, 5 से भी कट जाएगा, अगर डायरेक्ट कोई संख्या बड़ी से कट रहा है तो उससे काट दें, तो फिर आंसर हमारा वही आना, ठीक है। ये भी 25 से कट रहा, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौका 100, ठीक है। तो अब हमारा 3/4, यहाँ पर जहाँ पर आकर जो हमारी संख्या नहीं कटती, वहाँ जाकर हमारी जो भिन्न बन जाती है, यही हमारा आंसर होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जब हमारी संख्या किसी से नहीं कटेगी, ठीक है, तो ये हमारी क्या बन गई, भिन्न। इसी प्रकार जो हम भिन्नों के सवाल करते हैं, यानी कि प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब भी आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपको दोबारा से अच्छे से समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा।
तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।